छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करेंगे, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन उप निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में आज नामांकन का तीसरा दिन है, जिसमें 16 नामांकन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। वहीं अभी तक कुल 23 नामांकन के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 22,262 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं और 2,217 मतदाता विलोपित किए गए हैं। मतदाताओं की गणना के अनुसार प्रदेश में कुल 2,03,80,260 मतदाता पंजीकृत है। आगामी चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की कार्रवाई में प्रदेश में 85 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है और साथ ही लगभग 5 करोड़ की सामग्री भी जब्त की गई है। ये नामांकन हेतु आज तीसरा दिन है और इसमें आज दिनांक को कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब तक कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में अब तक निर्वाचक नामावलियों में 4 अक्टूबर के पश्चात 22,262 नाम जोड़े गए हैं और 2,217 नाम विलोपित हुए। इस प्रकार आज मतदाताओं की कुल संख्या 2,03,80,260 है और प्रदेश में अब तक आचार संहिता के उपरांत लगभग 5.5 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। इसमें लगभग 5,90,000 बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग